हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वाति वर्मा स्टाइल्स। और कैसे हैं आप सब? सो आज की वीडियो होने वाली है, हम सबने सुना है या आप सबने सुना होगा कि यार कनाडा में महंगाई बहुत है और स्पेशली वैंकूवर वर्ल्ड की सबसे महंगी सिटीज में से एक सिटी है। तो आज मैंने सोचा मैं आपको यहाँ के अपडेटेड 2022 के ग्रोसरी प्राइसेस दिखाती हूँ। सो बेसिकली ऑफकोर्स ये महंगा है, लेकिन अभी आप लगा लो अराउंड 4-5 मंथ से सुपर एक्सपेंसिव हो गई हैं ग्रोसरीज। लेकिन अब ऑफकोर्स ग्रोसरी तो मंगानी ही है, तो मैं आपको दिखाती हूँ अपडेटेड प्राइसेस। सो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले स्वाति वर्मा स्टाइल्स को कीजिए सब्सक्राइब, और इस वीडियो में तैयार हो जाइए सारी लेटेस्ट अमेजिंग ग्रोसरी देखने के लिए कि कनाडा में क्या क्या चीजें मिलती हैं। ये सब तो सुनते हैं ना हम कि बहुत प्योर है सारी चीजें, तो वो सब मैं आपको दिखाती हूँ और उस प्योरिटी के कितने पैसे आप देते हो वो भी आपको दिखाती हूँ। तो चलिए तैयार हो जाइए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। मैं टोटल भी करके बताऊंगी कि कितने की आई है टोटल ग्रोसरी और ये कितने टाइम चलती है। सो क्या टोटल खर्चा होता है ग्रोसरी पे अगर आप वैंकूवर आ रहे हो या अगर आप कनाडा के बारे में जानना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और कीजिए इस वीडियो को लाइक और मुझे अपने कमेंट्स भी दीजिए, और यू नो उससे क्या होता है मोटिवेशन मिलती है अगली वीडियो बनाने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए ये है ग्रोसरी जो मैंने आज मंगाई है। मैंने इंस्टाकार्ट से मंगाई है ग्रोसरी, वो घर पे ही दे जाते हैं। तो ये वॉलमार्ट से सारी ग्रोसरी आई है। अब मैं आपको सारी चीजों के प्राइसेस बताती हूँ कि जो रोजमर्रा की चीजें होती हैं वो क्या हैं। सो ये है मिल्क का गैलन, और ये बेसिकली 2% मिल्क होता है जो हम लेते हैं। क्रीम मतलब इसमें होती है, अच्छा होता है ना, मिल्क में फैट है अगर बच्चे के लिए। ये 4 लीटर्स मिल्क है, 4 लीटर्स का मिल्क है। हम ऐसे 2 मंगाते हैं गैलन, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ये 2 गैलन हम मंगाते हैं, ये हमारा अराउंड 1-1.5 हफ्ता चल जाता है। और क्यों ये ज्यादा होता है, क्योंकि ऑफकोर्स एक तो बच्चा है तो बच्चे के साथ दूध चाहिए ही होता है। ये होती है कि हम जो है घर में दही और पनीर घर में ही बनाते हैं दूध से ना, तो इसलिए भी थोड़ा ज्यादा दूध लगता है। तो यस, और इसका प्राइस है, मिल्क है एक जो ये बॉटल है 4 लीटर की, वो पड़ती है आपको $5.19। ब्रेड्स, तो ब्रेड इसलिए कि जैसे अब हम लोग सब काम करेंगे वीकडेज में, तो फिर ब्रेड वगैरह घर पे होने चाहिए ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए या कभी इवनिंग स्नैक के लिए। तो ये है वाइट ब्रेड, ये है अराउंड आपकी दोनों मिला के अराउंड $3.34 की है। सो मतलब 1.6 सेंट्स ईच, ठीक है। ये वाली एक मैं ब्रेड मंगाती हूँ, मैं ये वाली ब्रेड खाती हूँ। अमिश लोगों को ये वाली ब्रेड नहीं पसंद, उनको प्लेन वाइट ब्रेड पसंद है। तो मैं मंगाती हूँ ये डेम्पस्टर्स की 100% होल ग्रेन वाली ब्रेड, ये विद कीनुआ है। अगर कई बार मतलब मुझे बस ये होता है कि मुझे मल्टी ग्रेन ब्रेड खानी है, तो मैं ये वाली मंगाती हूँ। ये एक ब्रेड $3 की है। उसके बाद बात आती है बटर की। तो मैंने आपको बताया कि हम लोग घी हो गया, पनीर हो गया, दही हो गया, सब कुछ घर पे ही बनाते हैं, और थोड़ा सा इकोनॉमिकल भी पड़ता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्योर है और इजीली बन जाता है। अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने ये सब चीजें बनाई हैं घर में, तो मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक डाल दूंगी, आप जाके देख सकते हो। अगर आप कनाडा में नए आए हो या आना चाहते हो तो उस वीडियो को जरूर देखो, उस तरीके से बनाओगे तो यू विल सेव अ लॉट ऑफ डॉलर्स ऑल्सो, और घर पे आपके सामने फ्रेश चीज बनेगी। तो घी बनाते हैं हम घर पे, तो उसके लिए मैं लेती हूँ ये अनसॉल्टेड बटर। तो मैं ये 2 इसकी क्यूब्स लेती हूँ। बेसिकली इससे क्या होता है हमारा अराउंड, क्योंकि हम मैं खाना जो है देसी घी में बनाती हूँ या फिर मस्टर्ड ऑयल में या फिर ऑलिव ऑयल, तो जैसे कभी टोस्ट वगैरह के लिए चाहिए होता है, तो हम लोग रिफाइंड बिल्कुल भी यूज नहीं करते। तो जो मैं इनका जो ये यू नो इनसे दोनों से जो घी निकलेगा वो अराउंड हमारा 15-20 डेज चल जाता है। बटर है $5.97 का, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं छाछ की, जो कि होता है बटर मिल्क। आपको पता ही है कि मैं बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हूँ, तो यू नो मैं चाहती हूँ कि हम लोग जो ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं या ये जूसेस होते हैं इनके अलावा कुछ हेल्दी पिए, तो मैं ये बटर मिल्क मंगवाती हूँ। छाछ है, ये बहुत ज्यादा थिक होती है, जैसे जो इंडिया में होती थी ना वो पैकेट वाली, वो मतलब थोड़ी वॉटरी होती थी,
तो उसको एज इट इज पी लेते थे, लेकिन ये वाली बहुत थिक होती है। तो जो ये वन मतलब ये कितना है, ये अराउंड 1 लीटर की बॉटल है, 1 लीटर का है ये पैक, तो ये हमारा आराम से हफ्ता चल जाता है क्योंकि इसमें पानी मिलाना पड़ता है, अदरवाइज ये बहुत थिक होती है, मैं नहीं पी पाती क्योंकि हमें वही आदत है ना वो थोड़ी, और छाछ जो है ना थोड़ी पतली अच्छी लगती है, उसके ऊपर जीरा वगैरह डाल के खाते हैं। तो ये है अराउंड आपका $2.8 का। करते हैं योगर्ट की, तो मैं ये योगर्ट की ट्यूब्स मंगवाती हूँ यूवी के लिए, क्योंकि आजकल बच्चों को आपको पता है कॉन्स्टिपेशन होती है हमेशा, तो आई मेक श्योर कि वो हमेशा यू नो योगर्ट खाएं, एंड इट्स अ वेरी गुड स्नैक, इधर आ भी गया है अभी, तो ये मैं उसके लिए मंगवाती हूँ। कप्स पहले मैं मंगवाती थी, बट उसमें ये होता है ना कि हमें खिलाना पड़ता है बिठा के, ये ट्यूब्स होती है तो ही इज हैप्पी लाइक ऑन द गो ही कैन हैव इट, कभी गाड़ी वगैरह में भी कहीं जाता है तो अपना कार सीट में लेके बैठ जाता है। ये है आपकी $2.5 की। ये एक राइस, बासमती राइस का पैक है, सितारा बासमती राइस है, ये बहुत लॉन्ग ग्रेन है और बहुत अच्छा बनता है, खिला खिला बनता है, ये है और अराउंड $9.97। ये बंस मैंने लिए हैं, ये काफी अच्छे हैं, ये एक्चुअली हम लोग पाव भाजी बहुत खाते हैं, क्योंकि पाव भाजी भी इसलिए खाते हूँ मैं, बहुत बनाती भी हूँ इसलिए, क्योंकि जो भाजी होती है उसमें सारी वेजिटेबल्स होती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है उस फॉर्म में आप बच्चों को या आप खुद भी वेजिटेबल्स काफी कंज्यूम कर सकते हो, तो उसके साथ मैं ये बंस लेती हूँ, तो हम ये बंस खाते हैं। मैं पर्सनली भाजी को भी अपनी जो मेरी मल्टीग्रेन ब्रेड है उसी के साथ खाती हूँ। अपनी डाइट के लिए ना मैं अलग से एक वीडियो करूंगी, वो वेट लॉस डाइट है बेसिकली, बट हाँ हम ये मंगाते हैं घर में। ये आपके $3.7 के हैं। बात करते हैं फ्रूट्स की। सो हमारे घर में फ्रूट्स हमेशा होते हैं क्योंकि मैं सुपर क्रेजी हूँ फ्रूट्स के लिए, मतलब आई वॉन्ट कि मेरा फ्रिज हमेशा भरा रहे फ्रूट्स से, क्योंकि क्या होता है ना कभी ऑफिस जा रहे हो या ऑफिस से एकदम आए हो, कुछ खाने को नहीं है, तो आप फटाफट से कोई भी फ्रूट ग्रैब कर सकते हो, एंड अगर आप फ्रूट खाते हो तो आपके बच्चे भी फ्रूट खाने के आदि होंगे, तो डेफिनेटली अपने घर में फ्रूट्स लाइए। ये जूसेस जितने भी होते हैं मैं ट्राई करती हूँ कि जूसेस, आर्टिफिशियल जूसेस, ये सब हम कम करें, बिल्कुल यू नो बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते उन चीजों को, बट या सो ये एक एप्पल का बैग है, बहुत तरीके के एप्पल्स मिलते हैं यहाँ पे, मेरे को तो जो भी अवेलेबल होते हैं सारे ही ठीक लगते हैं, तो जो अवेलेबल होते हैं मैं वो मंगवा लेती हूँ। इस बार मैंने जैसे ये वाले मंगवाए हैं। ये पूरा बैग आपका है अराउंड $7 का, और ये कितना है, ये 1.36 kg है, अराउंड $7 का। उसके बाद देखो हमारे घर में स्मूदी, मतलब मैं ब्रेकफास्ट में स्मूदी पीती हूँ रोज, मैं भी, अमिश भी और यूवी भी, तो हम लोग हमेशा 2 tall glasses ऑफ स्मूदी बनाते हैं। मैं उसको एज अ ब्रेकफास्ट ऑप्शन लेती हूँ, इट्स लाइक अ ब्रेकफास्ट रिप्लेसमेंट फॉर मी, और अमिश और यूवी उसको एज अ इवनिंग स्नैक या मिड आफ्टरनून स्नैक ले लेते हैं। तो उसके लिए माई फ्रिज इज ऑलवेज लोडेड विद बेरीज एंड फ्रूट्स, क्योंकि मैं बेरी स्मूदी बनाती हूँ, तो उसके लिए मैंने मंगवाई है ये स्ट्रॉबेरीज। ये है $5 की। आज मुझे ब्लूबेरीज नहीं मिली तो मैंने ब्लैकबेरीज मंगवा ली। बेरीज क्या होते हैं ना, इनमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, आपकी स्किन को भी इम्प्रूव करते हैं, आपका ब्लड सब आपके यू नो ब्लड फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, तो जितनी भी है मेरी लेडीज जेंट्स भी, बट ज्यादा करके लेडीज ही एनीमिक होती है, तो अगर आप एनीमिक हो तो जरूर अपने बेरी स्मूदी खाया करो। ये अराउंड $4 का है। और ये कुछ बनानाज हैं, ये अराउंड $1 के, बनानाज इतने एक्सपेंसिव नहीं होते। और ये जो है मेरा ये स्मूदी किंग है, क्योंकि बेसिकली ये पाइनएप्पल जो होता है स्मूदी का बेस होता है, पाइनएप्पल के बिना स्मूदी नहीं बन सकती, मतलब पाइनएप्पल इज लाइक अ बेस ऑफ अ स्मूदी। तो ये है आपका अराउंड $4 का, मतलब 3.97 3.47 इस तरीके का है, तो ये भी काफी चल जाता है, 1.5 हफ्ता स्मूदी में काम आता है। उसके बाद आते हैं अपना, ये मैंने कोकोनट मंगवाया है, इसमें पानी है, हाँ, तो ये कोकोनट क्या है, थायराइड प्रॉब्लम्स में बहुत हेल्प करता है, तो कोकोनट इज अ वेरी गुड स्नैक। अभी कभी ऑफिस भी जाते हैं तो यू नो भूख लगती है, तो इंस्टेड ऑफ ग्रैबिंग अ बैग ऑफ चिप्स ग्रैब योर कोकोनट। ये है अराउंड $4.2 का। वेजिटेबल्स पे आते हैं, एक्चुअली वेजिटेबल्स अभी मेरे पास काफी रखी हुई है फ्रिज में, तो मैंने थोड़ी कम मंगाई है, तो ये है ब्रोकली, ब्रोकली के हम बनाते हैं पराठे, तो ब्रोकली है ये आपकी $2.97 की। ओके, उसके बाद है ये स्पिनच का बंच, इसके मैं बनाती हूँ पराठे, स्पिनच पराठा, अगर मैं शेयर करूंगी आपसे एक वीडियो में कि कैसे मैं स्पिनच पराठा बनाती हूँ, और क्योंकि
अगेन बच्चों के लिए, हमारे लिए, इस तरीके से आप स्पिनच खा सकते हो, है ना। स्पिनच इज सो हेल्दी और वो पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। मैं आपको एक अलग से वीडियो शूट करके दिखाऊंगी। सो यस, तो ऑलिव ऑयल खत्म हो गया था। हम नॉर्मली एक बड़ा कैन आता है ऑलिव ऑयल का, वो मंगाते हैं, वो अवेलेबल नहीं था, तो मैंने ये दो मंगा लिए। ये 1 लीटर ईच का है, तो ये आई थिंक महीना दो महीना चल जाएगा। 2 लीटर्स है ये दोनों मिला के अराउंड $12 के हैं, तो मतलब $6 ईच। बाद थोड़ा सा आलतू फालतू चीजें भी मंगा लेते हैं। तो ये मैंने एक हैंगर्स मंगाए थे, क्योंकि मैंने ना एक अपना, मैं रूम को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे कपड़े होते हैं तो उसको ऑर्गेनाइज करना है, तो मैंने काफी सारे कपड़े डोनेट कर दिए। यस, आप डोनेट कर दो, इतने होमलेस लोग होते हैं, अपने होर्ड मत करो कपड़ों को, डोनेट देम। और मैंने एक क्लोथिंग रैक वगैरह लाई हूं मैं, तो उसके लिए मैंने ये हैंगर्स मंगाए थे। ये कितने हैं, आई थिंक ये 10 है, 10 हैंगर्स सिर्फ आई थिंक $2 के हैं, तो मैंने ये मंगा लिए थे। दैट्स इट गाइज फॉर दिस व्लॉग। आई एम श्योर कि आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। सो गाइज, टोटल जो मेरा बिल आया है वो आया है विद टैक्सेस वगैरह सब कुछ लगा के, और कुछ टिप अमाउंट भी आप देते हो यहाँ पे, है ना, उनको, क्योंकि वो आपके घर पे लेके आ रहे हैं। अगर आप बाहर से लाओगे तो सिर्फ वो टिप अमाउंट आप सेव कर सकते हो, बट अगर आपको घर पे बैठ के ग्रोसरी मिल रही है तो वो क्यों ना लें आप, है ना, अपना वीकेंड क्यों खराब करें ग्रोसरी लाने में। तो टोटल बिल ये इतनी ग्रोसरी का आया है $121, और ये ग्रोसरी आप रफली लगा लो एक हफ्ते की है। इसके बावजूद भी काफी चीजें हमें बीच में लानी पड़ती हैं, कोई कुछ खत्म हो जाता है जैसे, बट रफली ये एक हफ्ते की ग्रोसरी है। और अभी इसमें काफी चीजें नहीं है, जैसे हम कई बार वाटरमेलन मंगवाते हैं, आज अवेलेबल नहीं था, तो वो भी $8 या $10 का होता है, ठीक है। मेरा कोकोनट मिल्क होता है या ओट मिल्क होता है, वो भी $5-6 का होता है। तो ओवरऑल वीकली आप लगा सकते हो। एक्चुअली लास्ट वीक हमने जो ग्रोसरी ली थी, हम खुद गए थे रियल कैनेडियन स्टोर, तो उस टाइम दालें वगैरह भी लेनी थी, तो अराउंड $200 का बिल आया था। अब उस हफ्ते के बाद इस बार हमने मंगाई है एक हफ्ते में, तो फिर अब अगेन $120 का बिल आया है। तो ऐसे ही होता है ना, क्योंकि आज मैंने कोई भी ये चीजें नहीं मंगाई, कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं मंगाई, क्योंकि वो पहले ही आ गई थी लास्ट टाइम। सो एनी विच वेज गाइज, ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से वो लाइक बटन दबाइए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को, एंड कीप सपोर्टिंग मी। आई लव यू ऑल। आप लोग जब मेरे वीडियो पे कमेंट करते हो, उसको लाइक करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझसे इतनी चीजें पूछते हैं लोग, कि हम आ रहे हैं कनाडा, आ रहे हैं, आप मुझे ये बता दो। आई रियली लाइक इट, तो कीप दैट गोइंग एंड रियली बेस्ट ऑफ लक। अगर आप कनाडा आने का प्लान कर रहे हो, बेस्ट ऑफ लक गाइज। मैं ये नहीं कहूंगी, देखो ये होता है कि अगर यहाँ पे महंगी है चीजें, अगर यहाँ पे चीजें महंगी हैं, तो आपकी सैलरी भी आप डॉलर्स में ही कमा रहे हो ना, और अच्छी खासी सैलरीज होती हैं, तो इट्स ओके, इट्स टोटली वर्थ इट। और अगर आप आ रहे हो तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से अपना घर पे इंडिया में टाइम स्पेंड करो, और यहाँ जब आओगे तो मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। सो स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।